नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों। लखनऊ उत्तर प्रदेश में 144 धारा लगी होने के बाद भी पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया गया। हुसैनाबाद रोड हजरतगंज पुलिस चौकी के पास पुलिस पर पथराव किया गया व पुलिस चौकी आग के हवाले कर दी गई। 45 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिवर्तन चौक की ये घटना है। यहां एसएसपी ने अंदर जाने की बार बार अपील करते रहे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने 15 मोटरसाइकिल, एक राज्य परिवहन की बस, 3 मीडिया वैन में आग लगा दी। लखनऊ से सिराज हैदर की रिपोर्ट। प्रदेश परिवहन की बस थी जिसको उपकर्मियों ने बिल्कुल ही बहुत बुरी तरीके से सब आग के हवाले करा है। अब देखिए इसको, अभिषेक थोड़ा आप अंदर से लें, कुर्सियां वगैरह भी पूरी A to Z पूरी बर्बाद करी गई है। पीछे भी पूरी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, कुछ पत्रकारों की गाड़ियां भी फूंक दी गई हैं। बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश परिवहन की बस थी, उत्तर प्रदेश परिवहन की बस है जिसको उग्रवादियों ने पूरा बर्बाद कर दिया है, पूरा जला दिया है। यहाँ पर पूरी ये सब जली पड़ी हुई है। किस तरीके से स्थिति अभी है? लगातार चौकी भी फूंकी गई है, 4-5 अरेस्टिंग। देखिए अभी 5 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है और एक बाइक और एक कार जलाने की सूचना है। अभी स्थिति नियंत्रण में आ रहा है तेजी से और हमारे ऑफिसर्स लगे हैं, एक्स्ट्रा फोर्स भी लगा है और बहुत जल्दी आपको परिणाम मिलेगा। सर, लखनऊ में कितने स्थानों पर सर इस तरीके की आगजनी चल रही है सर? अभी 2 स्थानों पर कुछ समस्या होने की बात आई है। अभी मैं समझ रहा हूँ कि जो सीनियर अफसर भी वहाँ पर है, तो मैं समझता हूँ कि स्थिति बहुत जल्दी सामान्य होने वाली है। अभी मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ, सारे अफसर्स हैं, ADG जोन साहब भी शहर में भ्रमण कर रहे हैं और आप से मैं अनुरोध करता हूं कि लोगों को अपील करें कि अभी पुलिस जगह जगह लगी है, लोगों की सुरक्षा के लिए लगी है और कोई भी शरारती तत्व उपद्रव करने का कोशिश करेंगे उनको बहुत कड़ी मुकाबला करके पुलिस इनको उन पर सख्त कार्रवाई करेगी। सर, कितने लोग हिरासत में लिया गया अभी तक, डिटेन किया गया? अभी अभी अब आपको हेड ऑफिस साहब को पूरी जानकारी मिल जाएगी। अभी यहाँ पर 5 लोगों को हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेने की कार्रवाई लगातार चल रही है। धन्यवाद।